हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल ज्वेल फैमिली। मैं हूँ रूमा। आज होलो शनिवार, शनिवार अभी 10 बज गया घड़ी में, तो 10 बजे से मैं वीडियो स्टार्ट कर रही हूँ अभी रेडी होके। तो देखो एकदम रेडी होके वीडियो स्टार्ट कर रही हूँ और हम लोग रेडी होके किधर जा रही हूँ वो बोलने का है हम लोग को। तो एक अन्नप्राशन बाड़ी जाने का है, बोलेगा तो 6 महीने का चावल खिलाता है उसमें, वो पार्टी में जाना है वो उस। हाँ, तो हमारा भाई का ही लड़की लड़का का है, बोलेगा तो मेरा खुद का चाचा का लड़का का, उसका लड़का का 6 महीने का चावल खिलाने का पार्टी है उसका ही, उसमें ही जा रही हूँ। तो कौन कौन जा रहे हैं साथ में देखो, मेरा ननंद आई है, ननंद और रूपम, मैं, मेरा हस्बैंड, सब जन जा रहे हैं। तो सुबह सब नहा के काम करके, कल एकादशी था, आज पारण करके सब सुबह का सफ़ेद बटाना का सब्जी बनाई थी, वो सब नाश्ता करके बाद में रेडी हुई। तो अभी जाने का है, बहुत लंबा है, बम्बई साइड में है, तो टाइम लगेगा जाने के लिए। अभी तो 10 बज गया, रेडी हो गई। तो चलिए, कैसा लग रहा है कमेंट करके ज़रूर बोलना। और ड्रेस पहन के जा रही हूँ, बहुत लंबा है इसके लिए साड़ी नहीं पहनी, और ड्रेस पहन के जा रही हूँ। और रूपम ऐसा रेडी हुआ, तो चलिए अभी जाते जाते आप लोग को भी दिखाऊंगी, सब कुछ शेयर करूंगी कैसा है। और उधर से मेरा जेठ का घर में भी जाना है, उधर नज़दीक है जेठ का घर का, उधर भी जाना है हम लोग को। तो मेरा ननंद अभी तक मेरा जेठ का साथ मिला नहीं, आए तो भी मिलेगा। तो चलिए, ड्रेस पहनी है तो रेडी एकदम सब जन मिल के, कैसा लग रहा है कमेंट करके जरूर बोलना। देखो हम लोग रिक्शा पे बैठ गई, अभी जा रही हूँ स्टेशन में, थोड़ा लंबा है, टाइम लगेगा जाने के लिए, और रेडी हो गई जा रही हूँ। तो अभी तो बहुत ही धूप था, फिर अंधेरा करके आया, छतरी नहीं लिया, पीछे हम लोग तीनों जन बैठिए। उधर से ट्रेन चढ़ के फिर अंदर ही दादर उतरा, दादर से अभी बरेले का ट्रेन में बैठ गई दूसरा, फिर और एक तीसरा चेंज करना है उधर से, फिर जिधर अन्नप्राशन है उन लोग का उधर जाना है। अभी भी एक इसमें बैठी, फिर और एक चेंज करना है, बहुत ही लंबा है, जाने के लिए भी टाइम लग रहा है। तो ये ट्रेन बहुत ही खाली है, नहीं तो हमारा उधर का ट्रेन में बहुत गर्दी था, आप लोग को अच्छे से दिखाई नहीं पाए सब सीट में, कितना टाइम के बाद सीट मिला बैठने के लिए, ये तो खड़े रह के ही आ रही थी। देखे पूरा ट्रेन खाली है, देखो खाली खाली है, लेकिन इतने भाग है हम लोग का, इधर इतना ट्रेन में गर्दी है, बाप रे, ऐसा लगता है पूरा किरा ही देखो, किरा देखो कितना खाली खाली है, अच्छा लग रहा है जाने के लिए। तो बाहर तो धूप है, हम लोग जब भी घर से निकला तो भी बहुत अंधेरा करके आया था, ऐसा लगता है बारिश आने वाला था, लेकिन इधर देखता है तो धूप है, तो अच्छा ही हो रहा है। तो चलिए अब ये ट्रेन के बाद फिर दूसरा ट्रेन में बैठना है। अब बहुत दिन का बाद हम लोग फिर से बाहर निकली, तो ऐसा कभी सोचती है तो जाने का है, लेकिन जाने के दिन आते हैं तो ऐसा लगता है नहीं जाना चाहिए, ऐसा लगता है। और ऐसा अपना चाचा का लड़का का ही है सब जन, उधर दीदी लोग सब आएगी तो मिलेगी सब जन, बहुत दिन का बाद मिलेगी उन लोग का साथ। पड़ेगा
ना, क्योंकि पहला बार आ रही और जैसा एड्रेस बोला है वैसा ही सबसे ही जा रही हूँ। देखते हैं किधर है। अभी हम लोग देखो अन्नप्राशन में आ गई। आने का बाद जो चीज देखा है बहुत अच्छा लगा। पहली बार मेरा इतना जगह पे मैं अन्नप्राशन में गई, कभी ऐसा चीज़ देखा नहीं जो अन्नप्राशन में ऐसा भजन चालू है, राम संकीर्तन चालू है। आके तो मेरे को इतना अच्छा लगा, ऐसा लगता है नहीं आती थी तो मैं बहुत मिस करती थी। अभी देखो प्रभु जी प्रवचन चालू है, प्रवचन कर रही है। और जिन लोग का मेरा भाई का लड़का का अन्नप्राशन है उसका ही वो लोग सब भक्त है, बहुत बड़ा ऐसा इस्कन मंदिर से जुड़ा हुआ है, इस्कन मंदिर का भक्त है उन लोग। और प्रभु जी देखो सब जन आए हैं, भजन चालू है, प्रवचन भी प्रभु जी का चालू था तो आके नहीं आती थी तो मैं मिस करती थी। आप लोग भी मेरा भाई का लड़का है, कितना क्यूट सा है, एकदम गोरा गोरा सा, एकदम गोपाल जैसा है। क्यों ना होगा, गोपाल का साथ जो जुड़ा हुआ है इसके लिए इतना अच्छा गोपाल जैसा लड़का मिला। पहला लड़की था फिर लड़का हुआ, अभी बहुत जन आया है इधर, सब भक्त लोग की है, बाहर का इतना हुआ ही नहीं है कुछ। और इन लोग इस्कन मंदिर का साथ जुड़ा हुआ है करके उधर का ही सब जन आया है। और अभी देखो मेरा भाभी है बाजू में लड़का को लेके, और उसका वो भाई है मामा चाव बोलेगा तो खीर खिला रही है। उन लोग का
पहला इस्कन मंदिर में ही उन लोग को उसको खिला के हो गया था। आज का वो पार्टी था, पार्टी में ऐसा सब जन को बुलाया और दो दिन पहला उसको मंदिर में ही प्रसाद खिलाया। तो उसी दिन तो किसको बुलाया नहीं था शायद, तो आज सब जन को बुलाया। तो आके जो देखने को मिला बहुत अच्छा लगा। जितना बार बोलेगी उतना बार ही कम है, नहीं जाती थी तो बहुत मिस करती थी। और पहला बार में इतना अच्छा एक अन्नप्राशन देखी है, तो चलो चलिए आप लोग भी देखिए, बहुत अच्छा लगा। हम लोग खाने के लिए अभी इधर आ गई, सब खाना रेडी है। प्रवचन हो रहा था करके थोड़ा सा लेट हो गया, लेकिन ऐसा अच्छा लगा। और आके देखो खाना भी ले लिया थाली में, बहुत कुछ भेज का ऊपर आइटम था, दो आइटम का सब्जी, पकौड़ा, पूरी, राइस, सलाद, बहुत कुछ था। अभी सब जन खाना ले लिया, अभी खाने का टाइम देखो खा बैठ के खा रही है ननोदर में। तो खाने का बाद जेठ का घर में उधर से आ गए खाना पीना खा के। अभी ट्रेन में बैठ गई, ट्रेन में बैठ गई, अभी जेठ का घर में जा रही हूँ क्योंकि इधर ही है सामने, है दो तीन स्टेशन आ गई है। तो जेठ का उधर जाके मिल के बाद में घर में जाऊँगी। तो उधर अच्छा से एकदम खाना पीना खा के आई और अच्छा भी लगा। छेले में खावे बोले अबे राज्य थाकबे रोटी এসব পানি নিয়ে গেছে, আর ওই যে লোকটাকে নিয়ে গেছে ও নিয়ে গেছে ও রাত্রির বেলা সব রান্না বান্না করে দেবে, রাত্রি বেলা খাবে। এই শোয়েতে যে এতজন লোক দিয়ে দাও, রান্না করবে, এ করবে, খাবে, রাখবে, থাকবে। ये देखो ये जो ब्रिज है ना, ये अभी समुद्र का बीच में से बना है ब्रिज, ये देखो। देखो इधर से मेरा जेठानी का घर से इधर समुद्र दिख रहा है, देखो कितना अच्छा लग रहा है। ये देखो पूरा इधर समुद्र है, हाँ इधर का खिड़की से पूरा दिख रहा है। ये देखो बहुत बड़ा बिल्डिंग है इधर। नीचे से इधर से रोड दिख रहा है। मैं मेरा जेठानी का घर में आई हूँ अभी। इधर से पूरा इल्लो का समुद्र दिखता है, ये बहुत अच्छा लगता है। और इधर का नज़ारा ना इतना खूबसूरत है ना पूछो ही मत। ये देखो ना इधर से कितना अच्छा लग रहा है, देखो उधर से समुद्र दिख रहा है, पूरा व्हाइट व्हाइट लग रहा है, बराबर समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन इतना अच्छा नज़ारा है ना, ऐसा बहुत अच्छा लगता है। हल्कू ए पीछे का बसते जा, छूट से रूपमेर पास गए बस, रूपमेर पास चले गए सबार मुख।